तो देखिए लगातार उस न्यूक्लियर ब्रीफकेस को लेकर हम सवाल तो उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया भीषण जंग के बीच, उससे जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने। भीषण जंग के बीच मेदवेदेव का यह बड़ा बयान, तेजी के साथ हथियारों की आपूर्ति बढ़ाएगा रूस, ये दिमित्री मेदवेदेव बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं ये देखिए, जंग में यूक्रेन की होगी करारी हार, दिमित्री मेदवेदेव ये भी इस बात का दावा कर रहे हैं ताल ठोक के। और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बयान का मतलब क्या है, आखिर क्या तैयारी रूस करता हुआ नजर आ रहा है, किन हथियारों का जिक्र रूस करता हुआ नजर आ रहा है जो अभी तक वॉर जोन में नजर नहीं आए। आइए आपको बताते हैं कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और साथ ही साथ सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है, क्या बड़े संकेत दिए हैं। जंग में यूक्रेन को जल्द हराने के लिए हथियारों की आपूर्ति और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। साथ ही क्या कहा है, 2023 में सभी प्रकार के सैन्य हार्डवेयर की डिलीवरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। सशस्त्र बलों को हर तरह की मिसाइलों की आपूर्ति की जाएगी, यह भी कहा गया। हथियारों और मिसाइलों की सप्लाई पर पश्चिम का जो दावा है वो सरासर गलत है, जिसमें लगातार कमी की बात कही जा रही थी। रशियन आर्मी आधुनिक मिसाइलों से लैस है, अभी सभी पश्चिम पर हम भारी पड़ेंगे, सब एक साथ आ जाए तब भी हम उन पर 20 हैं। आर्म्स प्रोडक्शन फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के बाद दिमित्री मेदवेदेव ने यह बहुत बड़ा बयान दिया है। मैं जानना चाहूंगा अब थापर सर आपसे कि आखिर इस बयान का मतलब क्या निकाले, 2023 में क्या होने वाला है, किस बात का संकेत दिमित्री मेदवेदेव दे रहे हैं। थापर सर, ओ देखिए ये एक तरीके से सिग्नल है इंटरनेशनल फोरम को भी और अपने देशवासियों को भी कि हम सशक्त हैं, हमारे पास कमी नहीं है किसी चीज की और लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं होते, हमें किस दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वी आर केपेबल ऑफ मीटिंग आर रिक्वायरमेंट्स फॉर वॉर एफर्ट। तो मेरे हिसाब से तकरीबन इतना ही उसका एम है। बिल्कुल।